मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम सुनते हैं आश्विन महीने की गणेश जी की कहानी यानी संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। आश्विन मास के कृष्ण पक्षी चतुर्थी को विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी व्रत भी कहा जाता है। यह सब संकटों को दूर करने वाला और मनोकामना सिद्ध करने वाला है। इस दिन क्रोध घमंड पाखंड न करें, संयम से रहें। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा महसूस करे तो गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इससे कष्ट दूर होते हैं और धर्म अर्थ मोक्ष विद्या धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं अश्विन मास की गणेश चतुर्थी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे कृष्ण, मैंने सुना है कि आश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। उस दिन किस भांति गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी ने उत्तर में कहा कि प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था। वे बोली, हे देव, आश्विन मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके करने का क्या फल होता है, मेरी जानने की इच्छा है। यह सुनकर गणेश जी ने कहा, हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि आश्विन मास में कृष्ण नामक गणेश जी की पूजा इस विधि से करें। इस दिन भोजन न करें तथा क्रोध पाखंड लोभ आदि का परित्याग कर गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए भोजन करें। आश्विन कृष्ण चतुर्थी का व्रत संकट नाशक है। इस दिन हल्दी और धूप का हवन करने से सप्त दीप वाली पृथ्वी का राज प्राप्त होता है। इस व्रत को किसने किया, यह कथा मैं आपको बताता हूँ। एक समय की बात है कि बाणासुर की कन्या उषा ने सुषुप्तावस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी कामासक्त हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा पणिग्रहण भी हुआ था। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारिकापुरी में आ पहुंची। वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया। वह राक्षसी माया जानने वाली थी। रात्रि में शैया सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली बेला में बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित हो गए। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से कृष्ण जी भी विकल हो उठे। रुक्मणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी। पतिव्रता रुक्मणी खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी, हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया, अथवा वह अपनी इच्छा से ही कहीं चला गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल हो अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमश ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमश ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया, वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया है। हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया, यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। कृष्ण जी की बात सुनकर लोमश मुनि ने कहा कि हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पुत्र का अपहरण किया है और उसे बाणासुर के महल में छिपा के रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। इस समस्या को हल करने के लिए आप आश्विन मास के कृष्ण चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा सुनकर मुनिवर वन में चले गए। श्री कृष्ण जी ने लोमश ऋषि के कथनानुसार व्रत किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में मेरे पिता शिव जी ने बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने का कारण व्रत का प्रभाव ही था।
श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को शमन करने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाशार्थ इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से शत्रुओं पर आप विजय लाभ करेंगे एवं राज्याधिकारी होंगे। इस व्रत के महात्म्य का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे कुंती पुत्र, मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है, यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। इस व्रत को करने के लिए प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। श्री गणेश जी का पूजन पंचोपचार यानी धूप दीप नैवेद अक्षत फूल आदि विधि से करें। इसके बाद हाथ में जल तथा दुर्वा लेकर मन ही मन श्री गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। संध्या होने पर दोबारा स्नान कर स्वच्छ हो जाएं और श्री गणेश जी के सामने सभी पूजन सामग्री के साथ बैठ जाएं। विधि विधान से गणेश जी का पूजन करें, वस्त्र अर्पित करें, नैवेद्य के रूप में लड्डू अर्पित करें, चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा की पूजा कर अर्घ्य अर्पण करें। उसके बाद गणेश चतुर्थी की कथा सुने अथवा सुनाएं, धूप तथा हल्दी से हवन करें, तत्पश्चात गणेश जी की आरती करें, भोजन के रूप में केवल फलाहार करें। इस तरह श्रद्धा भक्ति व विश्वास के साथ इस व्रत को पूरा करें। जय श्री राधे।